बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो हमारे सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हलोयाल पर। दोस्तों, बैन अल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में खुश आमदीद। टमाटर कहाँ से आए थे, कितने आए थे, कैसे कैसे नीलाम हुई, रोज़ाना हम ऐसे मालूमात आपके पास लाते रहते हैं। लेकिन एक शिकायत है दोस्तों, वीडियो को आप लाजमन शेयर करते नहीं है, जिसकी वजह से हज़ार लोग इससे महरूम रह जाते हैं। ये मफाद आमा पर बनी हुई वीडियो है, हज़ारों किसानों को इससे फ़ायदा पहुँचता है, लिहाजा प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए और हमें लाइक दीजिए। इस वक्त रात के तकरीबन कोई 1:30 बजे है और बैन अल-अक़वामी मंडी में टमाटर की मार्केट की नीलामी हो चुकी है। बिस्मिल्ला करते हैं। बैन अल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में आज तकरीबन 7 ट्रेलर टमाटर थे इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के, और इसके अलावा थे पाकिस्तानी टमाटर, स्वात, दीर, तलाश, बाजवड़ और इसी तरह इक्का दुक्का कहीं और इलाकों के। तो मोहतरम दोस्तों, शुरू करते हैं इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के टमाटर से। थोड़े से कमज़ोर हो चुके हैं, बल्कि कई मार के कमज़ोर हो गए हैं। ये देख ले आप, ऐसा लगता है चंद दिनों के मेहमान है इमारत इस्लामिया के टमाटर। अब जैसा कि आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, मुख्तलिफ फर्म मुख्तलिफ किस्म के मार के बेचते हैं, जिनमें कुछ खास ही ज़्यादा मशहूर होते हैं और कुछ नॉर्मल, कुछ कमज़ोर भी हो गए हैं। तो वो जो आम नॉर्मल थे, कमज़ोर थे, लीक थे, वो बिक रहे थे तकरीबन कोई 1000, 11, 12। ये मैं लीक टमाटरों का बोल रहा हूँ, 1000, 11, 12। थोड़े से अच्छे टमाटर 14, 15 और कुछ बहुत अच्छे टमाटर और वीआईपी मार्के, मसलन ताज मार्का हो गया, मसलन डबल, कुछ इस तरह कई मार्के हैं। असल में मसला ये है ना कि मुझे सिर्फ ताज मार्के वाले की इजाज़त है कि भाई आप मेरा रेट बता सकते हैं, लेकिन बाकी किसी की इजाज़त नहीं है कि भाई हमारा रेट बताए। हमारे लिए मसाइल बनते हैं, ज़मींदार फिर सौदा नहीं देते। तो इस वजह से तकरीबन 16 का भी बिका है, कुछ चंद 1700 के भी बिके हैं, लेकिन बहरहाल जो आम रेट चल रहा था 14, 15 और कुछ लगभग 16, ये इमारत इस्लामिया के टमाटर का रेट है। और एक ट्रेले में तकरीबन कोई 1500-1600 नग आते हैं, एक नग में, जैसे ये सामने है, तकरीबन 15-16 और कुछ में 17 किलो तक भी वज़न आ जाता है काबल के टमाटर का। अब आते हैं स्वात के मैदानी इलाकों की तरफ, मसलन ये गालीगे, मानियार, पाड़े, दम, गुलाबाद वगैरह के कई इलाके हैं। ये किसी ज़माने में पेटी होती थी, उसके बाद दुनिया अपडेट हो गई, ये कार्टनों में आने लगे और ये पूरी मंडी खूबसूरत सफ़ेद सुर्ख कार्टनों से भरी रहती। उसके बाद तब्दीली आ गई और ये जो आप जाली देख रहे हैं, बिल्कुल सेम कार्टन से 1 किलो 1.5 किलो वज़न में ज़्यादा है, 8-8.5 किलो के करीब, और ये आज बिकी है तकरीबन 800-900 और कुछ 1000 और इक्का दुक्का लाट इससे भी ज़्यादा ऊपर गया है 150, क्योंकि आज रेट थोड़ा सा अच्छा था टमाटरों का। टमाटर कम थे, इमारत इस्लामिया के 7 ट्रेले थे, जिसकी ज़रूर मार्केट पर असर पड़ जाती है। आम जो रेट था वो 800-900 और तकरीबन कुछ 1000 और कुछ 1100 इस खूबसूरत जाली का, जो कि स्वात के मैदानी इलाकों से आ रहा है। शमोज़े, और आपके साथ ये बात शेयर करूँ, शमोज़े स्वात के सबसे ख़ूबसूरत जगह और सबसे ख़ूबसूरत टमाटर बेचने वाला है, एक नाम और एक ब्रांड है। ये देख ले आप, माशाल्लाह रोज़ाना के हिसाब से ख़ूबसूरत होते जा रहे हैं। कुछ बारिशों ने ख़राब कर दिया था, लिहाजा थोड़ा टाइम लिया और अब आहिस्ता आहिस्ता प्यारे होते जा रहे थे। लगभग 1500-1600 रुपये तक ये छोटी जाली बिकी है, तकरीबन 13 किलो वज़न के साथ। ये देख ले आप शमोज़े, और हो सकता है इक्का दुक्का लाट इसमें मज़ीद भी ऊपर गया हो। टमाटर अभी तोड़े हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब आते हैं हम दीर तलाश की तरफ। दीर तलाश के टमाटर अपनी खूबसूरती के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और ये नासाफे दीर बाला के कई इलाके, नगरी बाला, नगरी पायन और इसके साथ साथ उसके और भी 2-4 इलाके हैं जहाँ से ये टमाटर आते हैं। काफ़ी ख़ूबसूरत है, काफ़ी प्यारे टमाटर है और बहुत साफ़ सुथरी भी है, वज़न भी अच्छा डालते हैं। तकरीबन 1500-1600 रुपए तक ये आम बिक रहे थे, लेकिन अच्छे टमाटर इनमें भी काफ़ी महंगे बिके हैं, 1500, 1600, 1700, 1800 और 1900 रुपए तक ये फ़रोख्त हो रहे हैं आज मंडी में। अच्छे टमाटर 200-300 मजीद ऊपर गए हैं, इक्का दुक्का लाट 2021-2200 रुपए तक भी गया है, वज़न इनमें तकरीबन 16-17 किलो के करीब करीब है। ये आम रेट नहीं था, आम तकरीबन कोई लगभग 1500 से लेकर 1800-1900 रुपए तक आम ये बिक रहे थे, 17-18, 17-18, लेकिन इक्का दुक्का लाट इनमें 200-300 मजीद ऊपर गया है, यानी 2021-2200 रुपए तक। ये काफ़ी मशहूर टमाटर है।
तो नहायत मोहतरम दोस्तों, बैनुल अक़वामी सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में ये तीन चार जगहों के टमाटर थे। हाँ, हो सकता है किसी और इलाके के भी टमाटर मौजूद हो, क्योंकि ये सब लोकल शुरू है ना, तो होते रहते हैं। अलबत्ता वज़न एक जैसा आने से, टमाटर खूबसूरत आने से रेट में 150 की फ़र्क आ ही जाता है। अब अगर आप बैनुल अक़वामी मंडी में नीलामी में सौदा ख़रीदते हैं, या टमाटर या फ्रूट या कोई भी सब्ज़ी, उसके साथ आपको टिक्स यानी कमीशन देने होते हैं, तो ये सूरत हाल आज बैनुल अक़वामी मंडी की थी। आवाज़ें आ रही है कि इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते फिर बंद होने वाले हैं, फिर कोई एहतजाज है, फिर कोई मसले है, तो ये मसले मसाइल तो चलते रहेंगे। अलबत्त हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि आप सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद के लिए एक अलग रूट कायम करें, बाकी रास्ते मुकम्मल बेशक बंद हो, लेकिन सब्ज़ी की गाड़ियाँ तो नज़र आती है। टमाटर खसूसन हो गया, ये तबाही बर्बादी हो जाती है इन बेचारों की। आप नीचे देख रहे हैं, ये टमाटर का पानी है, ये थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो बड़े मसले बनते हैं। इसी तरह कच्ची सब्जियों का भी हाल है, ये तो काई जाती है। अगर आप इनके रास्ते बंद करेंगे तो लोगों के ये काने किस टाइम पहुंचेंगे? जैसे परसों रास्ता बंद था, जिसकी वजह से टमाटर के रेट भी आसमानों पर पहुंच गए थे, इसकी वजह से सब्जियों के रेट भी आसमानों तक पहुंचे। आज भी सब्जियां इसीलिए महंगी थी क्योंकि उसके असरात अभी बाकी है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता फिर इस्लामाबाद के रास्ते गली कूचियां बंद हो, तो फिर बड़े मसाइल जन्म लेंगे। तो ये मेहरबानी कीजिए, सब्ज़ी की रोड के लिए कोई अलग रास्ता दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।